एपिसोड। हे गाइस, वेलकम बैक टू अ चैनल D17 ब्लॉग्स। तो गाइस, मैं आज आ चुका हूं एक और वीडियो लेकर। हां, मैं आज बात करेंगे कम पैसे में कैसे अपनी बाइक को रिस्टोर करें। तो यहां पे गाइस, मैं आज कुछ टिप्स लेके आया हूं जो आपको फॉलो करनी है अपने बाइक को कम प्राइस में रिस्टोर करने के लिए। तो यहां पे हमारी मॉडल बाइक खड़ी है, पल्सर 220F 2012 मॉडल। तो ये हम आज देखेंगे भाई कि कैसे कैसे मतलब रिस्टोर करना है। मतलब मैं जैसे आपको बताने नहीं वाला हूँ कि भाई अभी यहाँ पे मैं अपनी बाइक को खोल दूँ और अपने को आपको बता दूँ कि भाई ये ऐसा ऐसा कुछ करना है। तो मैं सन्स टिप बताने वाला हूँ कि भाई ये चेक करो, ये ऐसा इस आइडिया में मतलब आपको टिप्स बताने वाला हूँ जो कि आपको फॉलो करने अपने बाइक पे, जिससे कि आप कम पैसे में अपने बाइक को रिस्टोर कर पाओ। तो यहाँ पे गाइस फर्स्ट टिप ये आ जाती है कि आपको पहले अपने बाइक को एनालाइज करना है। आपको देखना है भाई कि अपने गाड़ी में काम क्या क्या है। रिस्टोर करना है मतलब उसको या तो बदल दो या तो उसको रिपेयर करके नया जैसा बना दो। रिस्टोरेशन का मतलब भाई यही होता है। तो यहाँ पे अपने आपको बाइक को एनालाइज करना है कि भाई कैसी क्या है, कहाँ पे टूटी है, कहाँ पे फूटी है, सब चेक करना है, कौन सा पार्ट खराब है लेके से पूरा, और एक डिटेल इंफॉर्मेशन लिख लो भाई अपने डायरी में। मैं डायरी मेंटेन करता हूँ तो आपको ऐसे कुछ डायरी में मेंटेन कर लेना है। तो यहाँ पे आपको पता चल जाएगा भाई ये गाड़ी का काम है। तो उसके हिसाब से ऐसे पार्ट्स निकालो जो कि मतलब काम मतलब वापस हो ही नहीं सकते, आप वापस उसको यूज ही नहीं कर सकते। मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा गाइस कि पहले आप मतलब देख लो कि किस चीज़ में आप पैसे इन्वेस्ट करके आप उसको नया ले सकते हो और किस चीज़ को आप रिपेयर करके चला सकते हो। तो इस टाइप में आपको समझ लेना है पहले। तो ये दो कुछ एग्जांपल्स थे, आप इसको अपने माइंड में बिठा लो। फिर बाकी आपको छोटे मोटे जो खर्चे होते हैं बाइक्स में वो आपको देख लें, जैसे कि फिल्टर्स वगैरह हो जाते हैं। आपको एयर फिल्टर की बात कर रहा हूं गाइस, तो एयर फिल्टर हो जाता है, स्पार्क प्लग्स वगैरह हो जाते हैं, फिर वायरिंग के छोटे मोटे बटन्स वगैरह हो जाते हैं। तो ये सब चीज़ों को आपको ध्यान में ले लेना है। फिर बाकी आ जाएगा बात अपने बाइक के इंजन में, तो इंजन में कोई भाई खर्चा है कि नहीं। मेन पॉइंट तो यही है कि इंजन में आपके खर्चा है या नहीं, आपको ये चेकआउट करना है। इंजन का खर्चा होने के बाद में बाइक को पेंट करना है या फिर न्यू पार्ट्स करना है। जिसकी लास्ट वीडियो मैंने बात की थी गाइस कि पेंट का खर्चा है वो ज़्यादा हो जाता है। तो अगर आपको भाई कलर करना है बाइक को, अगर मॉडिफिकेशन में करना है, मतलब बोलते ना बाइक के कलर से कोई अलग कलर करना है, तो आप भाई पेंट करवा लेना। पर अगर वो कंडीशन में अगर आपकी बाइक हो तो, बट अगर आपको वही चाहिए तो कम पैसे में अगर हो सकता है तो भाई रिप्लेस कर लो अपने पार्ट्स को, क्योंकि वो कम कॉस्ट में हो सकता है। क्योंकि पेंट बहुत ज़्यादा हाई कॉस्टली चले जाता है आजकल के मार्केट में, तो आप हो सके तो भाई रिप्लेस ही कर देना। ये एक पॉइंट हो जाता है गाइस। बाकी आपके बाइक में ऐसी कौन सी चीज़ें, जैसे कि आप रिपेयर करने वाली चीज़ें गाइस में बताओ, आजकल प्लास्टिक वेल्डिंग होती है, तो अगर आपकी बाइक फाइबर जैसे ये पार्ट से, तो इसका भाई वेल्डिंग आजकल हो जाता है, आप अंदर से करवा सकते हो इसको। तो ये भी एक चीज़ है, बस आपको ढूंढना पड़ेगा, थोड़ा सा रिसर्च करना पड़ेगा। एंड डैक सीट आपकी काम मतलब कम पैसे में आपका बड़े से बड़ा काम हो जाएगा। इसके आपको पता है ये इसका कुछ 3000 के आसपास कॉस्ट आ जाता है इस फाइबर्स का। तो अगर इससे अच्छा मैं इसको रिप्लेस करने से अच्छा प्लास्टिक वेल्डिंग करूँ जो कि 200-300 रुपये में शायद से हो जाएगी, तो उसमें आपका पैसा बच जाएगा, तो वो भी आप कर सकते हो। फिर ऊपर से इसका नॉर्मल कोट अगर मारोगे या तो ब्रैप्स कर लो, ब्रैप एक बहुत बेस्ट आइडिया है गाइस। हाँ, उसकी कोस्टिंग थोड़ी, अगर आप अच्छे लेवल का ब्रैपिंग करना चाहोगे तो आपकी कोस्टिंग बढ़ जाएगी, बट आपको चीप रेट में करना है तो भाई कम से कम में भी बहुत अच्छा खास हो रहा है। बस आपकी थोड़ी सी सेटिंग होनी चाहिए बाहर, बस डैक सीट अपना काम हो जाएगा। और बाकी आपके जैसे कि टायर्स हो जाते हैं, टायर्स भी सबके सब अच्छे, तो ये कलरिंग तो करना पड़ेगा। अगर आपको रिस्टोरेशन करना है तो ये आपको देख लेना है कि भाई आपके बाइक से टायर आपको कलर चेंज करना है या नहीं। ये तो भाई सब आपकी माइंड के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको रिस्टोरेशन किस टाइप में करना है, या पूरी बॉडी को रिस्टोर करना है या फिर कुछ कुछ चीज़ों को रिस्टोर करना है, ये तो डिपेंड करता है आपके ऊपर। तो यहाँ पे गाइस मेरी टिप्स की वीडियोस ख़त्म हो चुकी है। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। पहली बात तो भाई आपको वीडियो कैसी लगी ये तो बता दो, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको ये टिप्स वाली वीडियो थोड़ी सी पसंद आई हो या इन्फॉर्मेटिव लगा और आपको मैं पसंद आया, तो प्लीज़ टू लाइक शेयर सब्सक्राइब तरीके से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।